हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का गायुराने ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे रुई से भी ज़्यादा सॉफ्ट स्पंजी ढोकला, जो कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। तो रेसिपी को बिना स्किप किए पूरा देखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेसन का परफेक्ट ढोकला बनाने के लिए हमने यहाँ पर सेम साइज़ की कटोरी में बेसन निकाल के रखा है। तो यहाँ पर हम दो कटोरी बेसन लेंगे, इन्हें हम छान लेंगे। तो आपके पास अगर इस तरीके की छोटी छन्नी है तो आप छोटी छन्नी की सहायता से भी इसे छान सकते हो। अगर आपके पास बड़ी वाली छन्नी है तो बड़ी वाली छन्नी से भी आप इसे छान सकते हो। अगर आपके पास ना हो तो आप इस तरीके से छोटी छन्नी से भी छान सकते हो। मेरा बस छोटा छन्नी दिखाने का यही मतलब है कि आप अगर छोटी छन्नी है तब भी आप परफेक्ट ढोकला घर पर बना सकते हो। तो बस थोड़ी थोड़ी बेसन को हम लेंगे और छन्नी की सहायता से हम अपने बेसन को अच्छे से छान लेंगे। ऐसे करने से कि आपके बेसन में अच्छे से हवा भर जाती है और बेसन काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है, जो कि एक परफेक्ट ढोकला के लिए हमें इसी तरीके का बेसन चाहिए। तो बस अब हम यहाँ पर बेसन को छान करके साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर लेंगे एक कटोरी, इसमें हम डालेंगे लगभग 1 से 1.5 चम्मच चीनी, आधी चम्मच नमक, 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पर लेमन जूस डालेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपके पास साइट्रिक एसिड है तो साइट्रिक एसिड भी यहाँ पे डाल सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 चम्मच लेमन जूस का यूज़ किया है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तो यहाँ पर आप कोई भी फ्लेवर वाला तेल यूज़ ना करें, बिना फ्लेवर वाला तेल हम डालेंगे। साथ ही हम यहाँ पर आधी कटोरी पानी डाल करके अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हम इसे तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी चीनी अच्छे से घुल ना जाए। इस घोल को हम साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन जिसमें हम अपने छाने हुए बेसन को डाल लेंगे। इसमें हम अब डालेंगे थोड़ी सी हल्दी। हल्दी आप ज़्यादा ना डालें, मैंने हल्दी की क्वांटिटी बहुत ही कम डाली है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग। हींग बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है, हमारे खाने को बहुत ही अच्छे से पचाती है, इसलिए आपको हींग ज़रूरी डालना है। और जो घोल हमने तैयार करके रखा था उसे हम बेसन में डाल देंगे और अच्छे से विस्कर की हेल्प से हम इसे मिक्स करेंगे। तो इस तरीके से आपको इसे मिक्स करना है। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डालते जाएंगे और विस्कर की सहायता से हम इसे अच्छे से एक ही डायरेक्शन में फेरते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा अभी गाढ़ा लग रहा है, इसमें हम थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से हम एक ही डायरेक्शन में अब लगातार 5 से 6 मिनट के लिए हम इसे फेटेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये वाला स्टेप बहुत ही ज़रूरी है। आप ध्यान से इसे देखें, जब आपका घोल एकदम अच्छे से तैयार हो जाए तो आप इसे लगातार फेटेंगे 5 से 6 मिनट एक ही डायरेक्शन में। जैसे जैसे आप इसे फेटते जाएंगे, आपका जो बैटर का घोल है वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर का होते जाएगा और बहुत ही हल्का होते जाएगा। तो 5 से 6 मिनट अच्छी तरीके से फेटने के बाद हम इसे ढक करके 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। लगभग 20 मिनट पूरे होने वाले हैं, उससे पहले ही हमने यहाँ पर पानी को गर्म होने के लिए रख दिया है। तो अब हम चलते हैं अपने बैटर को देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो बेसन का घोल है बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। साथ ही हम इधर अपने ढोकला स्टैंड में अच्छी तरीके से ऑयल लगा लेंगे। अगर आपके पास ढोकला स्टैंड ना हो तो आप किसी भी बारी वाली थाली का यूज़ कर सकते हो। अब हम अपने बेसन के घोल में आधी छोटी चम्मच से भी कम यहाँ पर मैंने बेकिंग सोडा डाला है। बेकिंग सोडा डालते ही हम इसमें डालेंगे ऊपर से 1 चम्मच पानी, ताकि बेकिंग सोडा का लम्स ना बने। उसमें ऊपर से डाल करके अपने हाथों से हम इसे फटाफट से फेटेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे जैसे आप अपने हाथों से फेटोगे ये बहुत ही ज़्यादा हल्की होती जाएगी, फूलती जाएगी। इसलिए आपको पहले ही पानी को गर्म होने के लिए और ढोकला स्टैंड में आपको तेल लगा करके रख लेना है। जैसे ही आपने इसे फेटा उसके बाद फटाफट से इसे स्टैंड में हम डालेंगे और स्टीम होने के लिए लगभग 20 मिनट के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो ढोकला है बहुत ही अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पर हम एक चाकू लेंगे, इसे हम इस तरीके से ढोकला में डालेंगे। अगर आपकी चाकू एकदम क्लीन आ रही है इसका मतलब आपका जो ढोकला है बहुत ही अच्छे से परफेक्ट कुक हुआ है। तो बस ढोकले को निकाल करके हम साइड में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम तैयार करेंगे ढोकले के लिए तड़का। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच राई, 4 से 5 कड़ी के पत्ते, साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग, 3 से 4 हरी मिर्च को इस तरीके से बीच से लंबे लंबे चीरा लगा करके हम इसमें डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को हल्का सा हम चटकाएंगे। जब ये हल्का सा चटक जाएगा तब हम इसमें डालेंगे लगभग 1 कटोरी पानी। पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, 2 से 2.5 चम्मच चीनी, और इन्हें हम अच्छी तरीके से
पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, जब तक कि चीनी अच्छे तरीके से पानी में घुल ना जाए। तो यहाँ पर हमारा ढोकला का तड़का बनकर तैयार है। तो बस अब हम अपने ढोकले को निकालते हैं। तो बस एक चाकू की सहायता से इसके किनारों को हम अच्छे तरीके से अलग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारा जो ढोकला है वो निकल गया है। आप इसे ठंडा कर लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक परफेक्ट ढोकला बन के तैयार है। कितना सॉफ्ट, स्पंजी, फ्लफी बना है। तो बस छोटी छोटी टिप्स आप भी अपना करके एक परफेक्ट ढोकला घर पर बना सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ढोकला बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बना है, सॉफ्ट, स्पंजी, फ्लफी बना है। अब मैं इसे आपको काट करके दिखाती हूँ। काटने के तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि हमारा ढोकला बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो बस आप भी इस तरीके से ढोकला बनाकर तैयार करें। अब मैं आपको इसे पास से दिखाती हूँ कि हमारा ढोकला सच में कितना परफेक्ट बना है। तो आप देख सकते हो रुई से भी ज़्यादा सॉफ्ट, कितना ज़्यादा स्पंजी बना है ये। तो बस इसी तरीके से हम इसके ऊपर डालेंगे अपने तैयार किए हुए तड़के को। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो ढोकला जो कितना स्पंजी बना है कि ये तुरंत आपके तड़के को कितना जल्दी एब्जॉर्ब करके कितना अच्छा बन गया है। अगर आपके पास ढोकला स्टैंड ना हो तो आप इस तरीके से इडली स्टैंड में भी आप ढोकला बना सकते हो। बस इडली के शेप का होगा, बस आप इसे बीच से कट करके इसके ऊपर तड़का लगा करके खा सकते हो। ये भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें और आप भी एक बार इस तरीके से ढोकला बनाकर ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू।